था जो अब मिल चुका है। देखिए वो पुराना जो हेलीकॉप्टर है 15 साल पुराना हो गया था, तो डिपार्टमेंट के काफ़ी दिन से रिकमेंडेशन था कि इसे चेंज कर लिया जाए, तो पीछे कई महीने पहले इसका ऑर्डर दिया हुआ था, अब इसकी डिलीवरी मिली है, तो आज से इसका विधिवत इसकी जो है शुरुआत की गई है और नया हेलीकॉप्टर आज आपके सामने हरियाणा सरकार का है, आपने देखा है। ये तो देखना पड़ेगा डिफरेंस, पुराना हेलीकॉप्टर भी सेल होगा और इसका क्या कितना डिफरेंस होगा, एक बार देख कर हम लोग एक बार बता देंगे इसे कि क्या वो होगा। लेकिन एक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि वो 15 साल पुराना हो गया था, तो रेगुलर रिकमेंडेशन एक साल से चल रही थी कि इसे चेंज किया जाए। देखिए निगम के चुनावों में किसी जगह पर, नगर निगम में, किसी नगर पालिका में कोई कोर्ट केस है कहीं, अभी जो नया BCBA का बाइफरकेशन किया गया उसके तहत भी नई संरचना करके जल्दी ही चुनाव कराने का काम किया जाएगा। 35 निगमों का और कमेटियों का चुनाव अभी पेंडिंग है, तो उसे तेज़ी से ये सब जो नई व्यवस्था हुई है इसे समायोजित करके उसे कराने का काम करेंगे। और वहीं सीएम सैनी हिसार पहुंच चुके हैं, वो यहां दानवीर सेठ छाजू राम जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम सैनी सूर्यनगर RUB और ROB का उद्घाटन भी करेंगे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा और महिपाल ढांडा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो सीएम सैनी यानी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हिसार पहुंच चुके हैं, यहां वो दानवीर सेठ छाजू राम जी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इस वक्त मौजूद है हमारे साथ फोन लाइन पर संदीप सैनी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, क्या और ज्यादा जानकारी मिल रही है, यहां आज क्या खास आकर्षण होगा इस कार्यक्रम का? जी, आज अभी कुछ ही देर पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी हिसार पहुंचे हैं। आज जो है जाट शिक्षण संस्थान है उसके 100 साल पूरे हो चुके हैं, उसी के उपलक्ष में हिसार के जाट कॉलेज में ये कार्यक्रम रखा गया है और साथ ही साथ जो सेठ छाजू राम है उनकी जो जयंती है वो भी हिसार में मनाई जा रही है। इसके